हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भाटी पावर टूल के अंदर। आज फिर आ गए हम एक नई वीडियो लेकर, एक नया आइटम लेकर आप लोगों की डिमांड के ऊपर। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नए आइटम की और बताते हैं आपको क्या डिटेल है क्या नहीं। आइटम क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा सस्पेंस रखिए क्योंकि ऊपर की जो बातें हैं वो बतानी बहुत ज़रूरी है। लोगों की डिमांड आ रही है आपने लोगों की, यार हम जो लॉन मूवर है उसके बारे में डिटेल थोड़ी दीजिए। हम ज़्यादातर क्या होता है, हम देखते हैं स्टेडियम के अंदर जो घास होती है बिल्कुल एक साइज होता है उनका, पूरी जितनी भी स्टेडियम होती है या गार्डन हम बोल सकते हैं या स्कूल पार्क हम बोल सकते हैं या कोई प्ले पार्क है कोई गेम खेलने के लिए छोटे बच्चों के लिए, हम पार्क देखते रहते हैं। अपने घर में भी हम थोड़ी बहुत ये लॉन का काम बनाते हैं घर में। तो सब लोग बोलते हैं यार इसकी कटिंग की हमें कोई व्यवस्था बना के दो, ऐसी व्यवस्था बना के दो, ऐसा एक मशीन हमें उपलब्ध कराओ कि जो अच्छी हो बहुत ज़्यादा और घास काटने में ग्रेस कटिंग के मामले में बहुत शानदार हो। तो इसलिए हम आपको एक आइटम जो दिखाने वाले हैं बहुत शानदार आइटम है और बहुत ही डिमांड है आज की डेट में उस आइटम की। क्योंकि दूसरी पहली बात तो ये कि वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, दूसरी बात उसका काम जो है सेफली काम है, कोई भी यूज़ में ले सकता है, छोटा बच्चा भी ले सकता है बड़ा भी ले सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है और कम लाइट में ज़्यादा चलने वाला है। तो आज की जो वीडियो है हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसी है। हम एक छोटी सी क्लिप भी आपको देंगे काट के, हमारी वीडियो में नज़र आएगी आपको, तो वो ज़रूर देख लेना क्योंकि इसका वर्क है, आप पता लग जाएगा इसको असेंबल कैसे करना है। क्योंकि आज की वीडियो जो बड़ी होने वाली थी इसका हम बहुत शॉर्ट करके हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आप आइटम को अनबॉक्सिंग करते हैं, बताते हैं कौन सा मशीन आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हैं, हम बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं बिल्कुल अच्छे से, आपको पता लग जाएगी कि मशीन कौन सी है और क्या है क्वालिटी। तो चलिए दोस्तों, ऊपर की टेप हमने निकाल दी है और पैकिंग भी इसकी बहुत शानदार है, बिल्कुल अच्छे से आप देखोगे मशीन को। ये इसका हैंडल है, हमें असेंबल करना पड़ेगा क्योंकि पैकिंग में ये आ नहीं पाएगा, इसलिए इसको डिसेंबल करके रखा होता है। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इसमें, इसमें स्क्रू वगैरह भी दिए हुए हैं साथ में कंपनी वालों ने, तो ये हम रख देते हैं एक बार। और चलिए निकालते हैं मशीन को, दिखाते हैं आपको क्या मशीन है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी मशीन निकल के तैयार है। दिखने में मशीन बहुत शानदार है, खूबसूरत है और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे से, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मशीन को मैंने अनबॉक्स कर ली है, आप देख सकते हो मशीन को और मैं आपको आपको इसकी सारी फैसिलिटी बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि एक भी पार्ट आपसे छूट गया तो आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी, वो जो ज़रूरी नॉलेज है। तो चलिए पहले मैं बता दूँ इसका काम कैसा रहेगा, कैसे ये घास को काटने वाला है, इसमें ब्लेड कैसा लगा है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो है वो इसकी ब्लेड की है, इसकी ब्लेड जो होती है वो नीचे की तरफ होती है और इसकी जो शार्प साइड जो है हम बोलते हैं धार की साइड जो है वो दोनों साइड में होती है, एक ये साइड में होती है और एक ये साइड में होती है। तो इसका काम है घूमने का, तो ये जितनी फास्ट घूमेगी और घास को काटेगी तो आप यूज़ में इसको लेने में मतलब ये सेफली काम करेगी क्योंकि नीचे की ओर होता है तो लगने की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इसके चारों तरफ टायर दे रखे हैं तो आपको मूव करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अपने आप मूव होती रहेगी और घास को काटती रहेगी। और दिखने में आपको पता ही है एकदम गाड़ी की तरह लग रही है, बिल्कुल बच्चों का जो खिलौना होता है हम गाड़ी देखते हैं बच्चों के पास, सेम एज इट इज़ उसी मॉडल में बनाई गई है। और सबसे इसकी खास बात जो है, सबसे बढ़िया खास बात है इसकी, जो हम घास को काटेंगे तो ये इसमें दे रखा है पीछे की ओर, इसको हम ऐसे लगाएंगे नीचे, इसमें हमें लॉक दिए हुए हैं साथ में कंपनी वालों ने, तो ये लॉक जो है ऐसे लगने वाला है इसके पीछे और यहाँ से इसकी घास आएगी बाहर, जैसे ये काटता रहेगा घास इसके अंदर स्टोर होती रहेगी। तो आप ये सोच रहे हो कि घास काटेंगे तो पूरा मामला बिखर जाएगा, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें सारा घास जो है कट कट के बिल्कुल स्टोर होता रहेगा बिल्कुल सेफली। और आपको सिर्फ हैंडल पकड़ के इसको मूव करना है, एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से दूसरी साइड, सिर्फ मूव करना है और घास को काटती रहेगी।
और स्टोर होती रहेगी। बात इसकी पावर की बात करें तो इसमें मोटर जो है वो काफ़ी हैवी लगी हुई है, तकरीबन आप मान के चलो ये 1200-1300 वाट की इसमें मोटर लगी हुई है। तो आपको ज़्यादा ये देखने की जरूरत नहीं है कि यार ये मटेरियल बहुत हल्का हो सकता है, और कॉपर के अंदर आपको मिलेगी तो काफ़ी पावरफुल है, कैसे भी आप लंबे टाइम तक यूज़ में ले सकते हो इसको। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको हम अभी देख रहे हैं, इसको अब एक क्लिप हम डालने वाले हैं, तो इसका असेंबल जो है आप उस वीडियो में देख सकते हो कैसे मूव करना, ये भी आपको पता लगेगा बिल्कुल अच्छे से। वीडियो के बारे में आपने पूरा देख लिया, और क्लिप हमारी बिल्कुल ध्यान से देखें, उसमें पता लग जाएगा आपको। दूसरी बात, अगर आपको कोई आइटम ऐसा चाहिए, इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।